तो काका सजा दीजिए इन्हें, कह दीजिए इनसे कि घर छोड़कर चली जाए। यहां जितने रिश्ते थे इन्होंने खुद गला घोट कर मार दिया है उन्हें। ना मैं ना बोलता, हम में से कोई इन्हें अपने आंखों के सामने नहीं देखना चाहता। जितने प्यार और सम्मान से संपूर्ण माँ को औदा दिया था इन्हें, ये उसके काबिल नहीं है। और आज से ये अधिकार और सम्मान छीन गए हैं हम इनसे। विनोय बस दा, बस सबने बोल लिया, मेरी भी सुनिए। माना कि संपूर्णा का बहन का रिश्ता खत्म हो गया पंडिता से, पर अभी भी पत्नी है वो मेरी। भले ही आप सबके सब इसके साथ रिश्ता खत्म कर दें, पर मेरा रिश्ता है इसके साथ, ये मेरी पत्नी है और रॉय चौधरी खानदान की बहू, ये कहीं नहीं जाएगी यहां से। मानता हूं मैं कि यह शादी एक धोखा था, डर था मेरा, पर आज इस संपूर्णा ने ही मेरा साथ निभाया ना। मेरे सामने खड़ी हुई है ना, एक अच्छी पत्नी ऐसा ही करती है ना दा। आप सबको जो समझना है ना समझिए, लेकिन मैं आज भी इसे अपनी पत्नी मानता हूं और रॉय चौधरी खानदान की बहू, और ये कहीं नहीं जाएगी इस घर से। ठीक है बाबा, तो आप अपनी पत्नी के झूठ और धोखे का साथ दीजिएगा, लेकिन मैं और बंदिता, हम दोनों ऐसी औरत के साथ एक घर में नहीं रह सकते जिसने एक बार नहीं बार बार धोखा दिया, बार बार दुख पहुंचाया। अब जब सब उल्टा पड़ गया है, मुझे कुछ करना होगा जिसे बात समझ जाए। घर छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे चले जाना है, बहुत कुछ कहते हो आप, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है आपसे, और होगा भी कैसे, अपने बाप और काका के पैसों पे पलने की आदत जो पड़ गई है आपको। अगर मैं सत्ता की भूखी हूँ तो तुम क्या हो अनिरुद्ध बाबू? बाबा और काका के पैसे उड़ाने वाले औलाद? अच्छा बताओ, आज तक कितना कमाया है तुमने? बाप के पैसों पर पढ़ने विलायत गए, वहां से वापस आए, फिर क्या किया सिवाय बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा? समाज का उद्धार, औरतों के लिए सार्वजनिक शौचालय, शिक्षा वगैरह वगैरह, चलो जो भी कुछ किया है किसके पैसों पर किया है? अपने बाबा और काका के पैसों पर। और तो और, जिनके पैसों पर समाज सुधारक बने, समय आने पर उन्हीं को गलत ठहराया।
भला बुरा कहा कि उनकी सोच कितनी घटिया है, कितनी बेकार है, कितने पुराने हैं। क्योंकि वो परंपरा को मानते हैं। अनिरुद्ध बाबू, कभी अपने अंदर झांक कर देखा है आपने? ये जो रोटी तुम खाते हो, ये जो कपड़े तुम पहनते हो और वो इत्र जो लगाते हो, वो कहां से आता है? कभी खुद को पूछा है क्यों आज तक तुमने एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई? अरे तो बताओ, कौन सी तुम्हारे बाप दादा की कमाई खाली है जो तुम्हें बदहजमी हो रही है इसके खाने से? जमींदारों का बेटा है, ऐसे ही शान से पलते हैं और जीते हैं जीवन भर। अरे तुम होती कौन हो हमारे बेटे अनिरुद्ध को ये पाठ पढ़ाने वाली? रहने दीजिए काका सुसु जी, सही गलत अच्छे बुरे का अंतर भूल गई है ये, कभी नहीं समझ सकती। कितने अच्छे मेरे पति बाबू, अपने लिए तो सब सोचते हैं, पर दूसरे के लिए सोचने वाले, काम करने वाले बहुत खास ही होते। अपनी चिंता तो सब करते हैं, पर दूसरों का भला सोचने वाला महान होता है। आप नहीं समझोगी, पद गिराने वाला नहीं, उठाने वाला महान होता है। काश पति बाबू को पाठ पढ़ाने से पहले आपने पाठ पढ़ा होता, क्योंकि मुझे भी ये बात पढ़ाई लिखाई से ही समझ आई, जो मेरे पति बाबू की वजह से ही हुआ। वाह बोंदिता, मतलब पति को कुछ बोलो तो पत्नी को चुप गई, और पत्नी को कुछ बोलो तो पति को बुरा लगता है। हर एक बात कहो बोंदिता, ये जो तेरी किताबें, पढ़ाई, विद्यालय का शुल्क है ना, ये भी मेरे पति के पैसों से भरा गया है। एक बात बता, आज तक तेरे पति ने कुछ कमाया भी है? और कमाएगा भी क्या, क्रांतिकारी बरिस्तर बाबू, इनको तो क्रांति लानी है, मुफ्त में बरिस्तारी करनी उन गरीब भिखारियों की। बस करो। इतना गुरूर है खुद पर, घमंड है अपने उसूलों पर अनिरुद्ध बाबू, तो जाओ ये घर छोड़ के। जाओ अपने नाम पर कुछ काम धंधा करो, और खुद के कमाए पैसों से अपनी पत्नी को पढ़ा के दिखाओ। अपने पैसों से भरो इसके विद्यालय का शुल्क, खरीदो उसके किताबें, उसके कपड़े, पर ये नहीं होगा ना तुमसे बरिस्तर बाबू। बातें करना ना आसान है, पर उन पर अमल करना बहुत मुश्किल। अरे बंद करो अपनी बकवास, बहुत कर लिया तुमने तमाशा। तुम किस अधिकार से कह रही हो ये सब? अरे ये सब जितना हमारा है उतना हमारे बेटे अनिरुद्ध का भी है। किसके लिए खड़ी की है हमने अपनी ये जमींदारी? अपने बच्चों के लिए ही ना, और तो वो क्यों ना उठाए उसका सुख? सुनो अनिरुद्ध। नहीं काका। जितना सुनना था सुन लिया मैंने, और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, जो कहा बिल्कुल सही कहा। मुझे अपने आप को साबित करना चाहिए, मुझे जो करना है अपने दम पर करना चाहिए, वरना फर्क क्या रह जाएगा इनमें और मुझ में?
इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं और बॉम्बिता इस घर को छोड़कर बाहर जाएंगे। बाहर रहेंगे। इस घर में नहीं रहेंगे। सब ये देखेंगे कि मैं कैसे अपने बलबूते पर पैसे कमाऊंगा, बॉम्बिता को पढ़ाऊंगा। तुझ में रोशन होगा सूरज तो धूप भी आएगी, शब का गज पर चले और बॉम्बिता को बैरिस्टर बाबू बना बाबू बना। तेरी किस्मत तेरे से ही लिखी जाएगी, तेरे कदमों के निशानों पर चलेगी दुनिया। मैं तेरी आंखों में देखूं सपना मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। सुमति माँ आइए ना। जमाई बाबू, आपके घर में झगड़ा करने या फिर आप लोगों के बीच दरार डालने के लिए नहीं आई थी मैं जमाई बाबू। सुमति माँ, आपके कारण कुछ नहीं हुआ है, अपने आप को दोष मत दीजिए। तो फिर आप अपना घर छोड़ के मर चाहिए जमाई बाबू। परिवार का टूटना अच्छा नहीं होता है जमाई बाबू। रेनी जी, एक बार मना लीजिए ना बैरिस्टर बाबू को। अगर आप मना करेंगी ना जाने से तो वो भी कहीं नहीं जा पाएंगे। जिस प्रकार तर्क करके हर बार अपनी बात मनवा लेती हैं, इस बार भी कोई भारी सा तर्क करके सबको मना लीजिए छोटी मालकिन, वरना ये घर परिवार टूटकर बिखर जाएगा। सुमति माँ, कोई परिवार नहीं टूट रहा। मैं इस घर का बेटा था, हूँ और हमेशा रहूंगा। बाबा से, काका से, सोम बटुक सब से जो मजबूत रिश्ता बना रहा है मेरा, वो आगे भी बना रहेगा। मैं जा रहा हूँ तो बस अपने आप को साबित करने के लिए। तो फिर आप यहाँ रहकर भी तो अपने आप को साबित कर सकते हैं ना जमाई बाबू। नहीं सुमति माँ, अब समय आ गया है कि मैं अपने बलबूते पर बॉम्बिता की पढ़ाई करवाऊँ। किसी और को कुछ साबित नहीं करना चाहता मैं बस अपनी नजरों में और ऊपर उठना चाहता हूं। माँ, मैं घर छोड़कर नहीं जा रहा, बल्कि सही मायने में रॉय चौधरी बनकर घर वापसी करना चाहता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि आप ही हमारे साथ चलिए ना, बहुत खुशी होगी हमें। नहीं जमाई बाबू, मैं नहीं आ सकती। अभी तो बॉम्बिता के भविष्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, और एक माँ होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि आपका ये बोझ बांटना चाहिए मुझे।
ना कि बढ़ाना चाहिए। और वैसे भी जमाई बाबू, आप और मेरी बोंदिता कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? सुमति माँ, बोंदिता की चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगा, आखिर जिम्मेदारी है वो मेरी। पता है जमाई बाबू, जब तक आप मेरी बोंदिता के साथ हैं, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि सब कुछ सही है, ठीक है। पर मेरे वजह से जो ये सब कुछ हुआ है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा जमाई बाबू। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है सुमति माँ, बस अभी अभी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं, पहले मुझे आशीर्वाद तो दीजिए। दुक्का माता, आपको और मेरी बोंदिता को बहुत हिम्मत दे। भारी बाबू, हिम्मत ही नहीं हो रही आप सबको छोड़ के जाने की। बहुत दुख हो रहा है। और आपको पता है, काका ससुर जी ने रामायण कथा सुनाई थी, उसमें भी तो जब राम भगवान वनवास के लिए गए थे, सीता माता भी तो उनके साथ गई थी ना। इसीलिए मुझे भी तो जाना चाहिए ना अपने पति बाबू के साथ। और आप अपने बेरिश्ता बाबू की चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं बहुत बहुत ख्याल रखूंगी उनका। उनको सही समय पे काफी खाना सब दूंगी। माँ, बोंदिता हमेशा अपने से पहले अपने पति बाबू का ख्याल रखना बोंदिता। और ये बात हमेशा याद रखना बोंदिता, तेरे पति बाबू आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे बोंदिता, तेरे भविष्य के लिए लड़ रहे। हिम्मत बनना उनकी। और आज मैं गांव वापस जा रही हूँ बोंदिता, मुझे ढेर सारे चिट्ठी लिखना, और इसमें सारे चिट्ठी मुझ तक जरूर पहुंचेगी। हाँ माँ, ढेर सारी चिट्ठियां लिखूंगी मैं तुझे। गांव में भी सबको कहना कि विद्यालय जाती है बोंदिता, कहना कि मैंने कहा है, बाकी सब लड़कियों को भी जाना चाहिए विद्यालय। और क्या? और जब भी मैं तुझे याद करूं, तो मुझसे मिलने आएगी ना माँ, अपनी बोंदिता को गले से लगाने, बोल ना माँ, आएगी ना? मैं तो उन्हें नहीं खा सकता, पर आप उन्हें रोक लीजिए, हमेशा की तरह आप आदेश दीजिए कि तुम लोग को रुकना है, तो उन्हें रुकना ही पड़ेगा ना मालिक। बैरिस्टर बाबू और बोंदिता बहू में आपके प्राण बसते हैं ना, फिर ऐसा क्या हुआ मालिक, आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे? प्राण बसते हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए जाने दे रहे हैं उन्हें बिहारी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.